एक बार घर घर में पहुंचा दी है। जब नारा रखता था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वाकई में नफरत की आग नरेंद्र मोदी जी और विचारधारा ने घर घर तक पहुंचा दी है। ये सबसे बड़ी हमारी है। और आज मैं इस बात को मानता हूं, सांप्रदायिकता का भूत बोतल में जब तक बंद है तब तक बंद है, एक बार निकल गया तो इसको वापस बोतल में डालना आसान नहीं। पाकिस्तान में हमने देखा, वहां के राष्ट्रपति जियाउल हक ने जो घोर रेडिकलाइजेशन के, भी आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का, जो इस्लामोफोबिया की वो बात कर रहे हैं, जो रेडिकल मुस्लिम इस्लाम की बात कर रहे हैं, वही बात उसका जो काउंटर है वो है रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज। और वो रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदूज भी उतना ही खतरनाक है जितना कि रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कम्युनलिज्म ऑफ मेजॉरिटी इज मोर डेंजरस देन द कम्युनलिज्म ऑफ द माइनॉरिटीज। और आज जो हालात आप पाकिस्तान में देख रहे हैं जहां कम्युनलिज्म ऑफ द मेजॉरिटी हुआ है, वही हालात अगर भारत में कम्युनलाइजेशन ऑफ द हिंद मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, इससे देश को बचाना आसान नहीं है। आज गांधी जी को क्यों जाना जाता है? गांधी जी को जिन बातों के लिए जाना जाता था, वो ऐसी शख्सियत थे और संस्कृति और धर्म को समझदार था। भारत एक धार्मिक देश है और सनातन धर्म का जो सत्य अहिंसा प्रेम और सद्भाव, अहिंसा की जो बात हमारे बोधरा जी ने की, अहिंसा ही आज संकट में है, विचारधारा संकट में है। भगवान महावीर भगवान बुद्ध का विचारधारा और महात्मा गांधी और सनातनी परंपरा की जो हमारा धर्म है वही संकट में है, क्योंकि जिस प्रकार से आज महामंडित किया जा रहा है हिंसा, महामंडित किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने हिंसा को पनपाया, हिंसा को ज्यादा आगे बढ़ाया, आज उसका विरोध, उसको अगर हमारी लड़ाई उनसे लड़नी है तो हमें अहिंसा का रास्ता चुनना पड़ेगा, महात्मा गांधी का रास्ता चुनना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं। जब धारा 370 की बात संसद में हुई, उसी दिन मुझे एक मीटिंग में जाना था। मैंने अपने भाषण में कहा कि आज अगर महात्मा गांधी होते तो वो क्या करते, जरा सोचिए। आज उस दिन अगर महात्मा गांधी, जिस दिन संसद में धारा 370 हटाई गई, अगर होते तो उसी दिन वो घोषणा कर देते कि मैं लाल किले से लाल चौक तक यात्रा करूंगा। आज पूरे देश में धारा 370 की बात आती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषणों में हमेशा कहा था कि कश्मीर की समस्या का हल, तीन शब्दों में उन्होंने कहा था, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इन तीनों को विदा कर दिया, समाप्त कर दिया, अटल जी की विचारधारा को ही समाप्त कर दिया। आज ना वहां जमहूरियत है, ना कश्मीरियत बची है, ना इंसानियत बची है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा, इस बात को इशारा किया है। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, महेश भाई
हमारी पीढ़ी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी बाद वाली पीढ़ी को छोड़ के तीसरी पीढ़ी पर हमें जो डाला ध्यान देना पड़ेगा।